शिवपुरी वार्ड क्रमांक 23 में कांग्रेस प्रत्याशी जुबैर खान अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड वासी अब की बार एक शिक्षित युवा को पसंद कर रहे हैं। वार्ड वासियों ने बताया कि अब की बार हमें वार्ड 23 में ऐसा पार्षद चाहिए जो शासन प्रशासन तक हमारी आवाज को पहुंचा सके, जो नई नई योजनाओं का लाभ दिला सके, बड़े अधिकारियों से बात कर सके, इसलिए हमने इस बार युवा चेहरे को पसंद किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपको? जुबैर खान। आप वार्ड 23 से चुनावों में खड़े हुए हो, क्या अपेक्षा लेके खड़े हुए हो, क्या आपके मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा ये है कि इस वार्ड में जब से नगर पालिका घोषित हुआ है और ये वार्ड बना है, उस दिन से जो भी इसमें पार्षद बने हैं, आज तक किसी ने कोई विकास कार्य पर काम नहीं किया, ना तो उन्होंने रोडों पर, ना पानी पे, ना स्ट्रीट लाइट पे, ना लोगों की मदद मजदूरी की किताबें छोटे लोग हैं परेशान रहते हैं, कभी ना उनके पेंशन, वृद्ध पेंशन, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोग परेशान। ये तो पार्षद का मुद्दा होता है कि अपना लाइट लाइट का और अपना ये नाली माली का कुछ नया मुद्दा आप लेके कुछ खड़े हो। इस वार्ड को मैं, अगर मुझे मौका मिलता है परिषद में जाने का, तो मैं इस वार्ड को एक ऐसा वार्ड बनाने की कोशिश करूँगा कि लोग इसको देखने आए। बाट की जनता का आपको पूरा विश्वास है कि आपको जिला बाट की जनता का आशीर्वाद, लोगों का मत और लोगों की इच्छा है कि इस बार कुछ नया। इसके वर्तमान में भी कोई आपका पार्षद रहा होगा, क्या कुछ कारण रहा उसका 7 साल में? इससे पूर्व भी पार्षद रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हो रहे हैं, हमारे सामने वो भी पहले पार्षद रह चुके हैं और अभी भी दूसरी पार्षद जो है चुनाव चुनावी समझ में है वो भी पार्षद रह चुकी, लेकिन कोई विशेष कार्य उस कार्य को देखते हुए आपने ऐसा लड़ा कि मैं भी चुनाव लगा लोगों का थोड़ा सा रुझान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।